मक्का सऊदी अरब में स्थित एक ऐसा शहर जिसे इस्लाम की जन्मस्थली कहा जाता है। यही वो जगह है जहां से 1400 वर्ष पहले एक मजहब, एक पंथ या एक विचारधारा का जन्म होता है जिसे इस्लाम कहा गया। और आज इस मजहब के करोड़ों अनुयायी इस दुनिया के कोने कोने में हैं। इस बात में किसी को जरा भी संदेह नहीं कि इस्लाम मजहब मात्र 1400 वर्ष पुराना ही है, बल्कि मुस्लिम भी यही मानते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जो कि यकीनन इस मजहब को मानने वालों के अंदर भी उठता होगा कि आखिर जिस अरब की भूमि से इस्लाम का जन्म हुआ, इस्लाम के पहले वहां किस सभ्यता या मत को मानने वाले लोग रहते थे। 1400 साल पहले आखिर अरब के लोग किस शक्ति में विश्वास करते थे। इस्लाम के जन्म के साथ जिन काफिरों के पूजा स्थल ध्वस्त कर दिए गए, जिनको भयवश इस्लाम को मानने पर मजबूर कर दिया गया, आखिर वे काफिर कौन थे? आखिर वे काफिर किस पंथ को मानते थे? आखिर कौन से बुतों की पूजा की जाती थी उन काफिरों द्वारा? अरब में जिन बुतों अर्थात मूर्तियों की पूजा करने वालों को 1400 वर्ष पहले काफिर नाम दे दिया गया, जाहिर सा सवाल है कि जब इस्लाम नहीं था तो अरब में वह कौन सा धर्म था जो अरब के लोग मानते थे? आखिर जिन मूर्तियों को तोड़ने का जिक्र इस्लाम में किया गया, वह मूर्तियां किन देवी देवताओं की थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस्लामी विद्वान भी देने से कतराते हैं। वहीं जब दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म के अनुयायी मक्केश्वर महादेव से संबंधित प्रमाणों का जिक्र करते हैं, तो ये तथा कथित इस्लामिक विद्वान और कुछ सेकुलर हिंदू इसका मजाक उड़ाते हैं। जबकि हिंदू सनातन सभ्यता की 2000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक की पुरानी मूर्तियां भारत के अलावा अन्य देशों में मिल चुकी हैं, जिनमें से कई मुस्लिम देश भी हैं। यानी हिंदू धर्म इस्लाम के जन्म से हजारों साल पहले से इस दुनिया के कोने कोने में फैला था। तो जब हिंदू धर्म इस्लाम के जन्म से हजारों साल पहले से इस दुनिया के कोने कोने में फैला था, तो अरब में हिंदू संस्कृति की बात को ये इस्लामी विद्वान क्यों नकारते हैं? आखिर मक्केश्वर महादेव की बात को कैसे नकारा जा सकता है? क्या है वो हिंदू प्रमाण जो अरब के कोने कोने में बिखरे? क्या है काबा के उस शिवलिंग का रहस्य जिसने विदेशी इतिहासकारों को भी हैरानी में डाल दिया था? कौन से हैं ऐसे प्रमाण जो इस्लामी विद्वानों ने सदियों तक दुनिया से छिपाए? क्या है मक्केश्वर महादेव के वो प्रमाण जिन्हें देख आप भी चौंक उठेंगे? आखिर अब कैसे अरब की धरती से काबा का असली इतिहास जमीन फाड़ कर बाहर आ रहा है? आज मैं कोई हवा हवाई बात नहीं करने वाला, बात होगी उन जिंदा प्रमाणों पर जो मक्का में इस्लाम से पहले उस समृद्ध हिंदू संस्कृति की गवाही देते हैं, जिसके सबूत आज भी मक्का की धरती में दफन है। यकीन मानिए, ये वीडियो उन सेकुलर हिंदुओं की भी आंखें खोल देगा जो अपने धर्म के इतिहास पर सवाल खड़े करते हैं। आज मैं आपको एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे स्पष्ट सबूत दिखाने वाला हूं, जिसके बाद आपके मन में मक्केश्वर महादेव से संबंधित एक भी सवाल नहीं बचेगा। बस वीडियो अंत तक देखिएगा। तो कमेंट में हर हर महादेव के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। अभी कुछ समय पहले इस्लाम के गढ़ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई खुदाई में 8000 साल पुराना मंदिर और यज्ञ वेदी मिली। इसके अलावा यहाँ ऐसे अवशेष भी मिले जिन पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए थे। यह जानकारी सामने आने के बाद यह तो कंफर्म हो ही गया कि सऊदी अरब का मूर्ति पूजा से पुराना रिश्ता रहा है। खैर, सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ और विद्वान तथा शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का है, जिन्होंने वेद और शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात मक्का पर ये बोला है। शिव पुराण पर एक विशेषांक है गीता प्रेस से प्रकाशित, उसमें जम्मूकेश्वर मक्केश्वर महादेव का वर्णन है और विधर्मियों के हाथ में वह है। वहाँ के पुजारी जैसे वैद्यनाथ धाम आदि में पुजारी का वेश होता है,
उसी वेश में होते हैं, लेकिन होते मुसलमान, लेकिन वेशभूषा जैसा होना चाहिए ब्राह्मणों का वैसा ही होता है। तो उनके नियंत्रण में आजकल है जम्बुकेश्वर और कौन मक्केश्वर। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने इस वीडियो में जो जो भी कहा उसका एक एक शब्द सत्य है और हर बात उन्होंने प्रमाणों के आधार पर ही बोली। इसके बाद हमने जब और रिसर्च की तो हमें काफी खोजबीन के बाद ये मिला। अगर आपको ये श्रीयंत्र लग रहा है तो जरा रुकिए, ये कोई श्रीयंत्र नहीं है बल्कि काबा का पुराना नक्शा है। यानी काबा का निर्माण वैदिक अष्टकोणीय आकार में किया गया था। और सबसे हैरानी की बात यह है, ऐसा नक्शा काबा के अलावा दुनिया में किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलता। यहाँ आप देख सकते हैं कि वैदिक अष्टकोणीय आकार में, जिसमें एक चतुर्भुज के ऊपर दूसरे चतुर्भुज को बिठाकर फिर बीच में मंदिर स्थापित किया गया था। यह वही जगह है जहाँ 360 मूर्तियां स्थापित थी, जिसका जिक्र इस्लामी इतिहास की पुस्तकों में भरा पड़ा है। इन 360 मूर्तियों के बारे में विस्तृत जिक्र हमें किताब अल असनम में मिलता है। और जिसने भी इस्लाम के उदय का थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा है उसे पता होगा कि इस्लाम के उदय के साथ ही इन 360 मूर्तियों का जिक्र हर जगह आता है, जिनको इस्लाम के उदय के साथ ही ध्वस्त करा दिया गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार काबा में 360 मूर्तियां थी। आखिर यहाँ इतनी मूर्तियां क्यों थी, इसके विषय में द लल्लन टॉप के लिए ताबिश सिद्दीकी ने इस्लाम का इतिहास नाम की सीरीज में लिखा है कि काबा के आसपास 360 मूर्तियों का होना इस बात की ओर इशारा करता है कि अन्य सभ्यताओं की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा करते थे। इसके अलावा कैरन आर्मस्ट्रांग अपनी किताब इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी में यह कहते हैं कि 360 मूर्तियों का होना साल के 360 दिनों की ओर इशारा करता है और वहाँ ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियाँ थीं। और उस समय लोग यहाँ हज करने के लिए आते थे और वह लोग काबा के 7 चक्कर लगाते थे तथा इन सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही इस्लाम का उदय होता है ये 360 मूर्तियाँ नष्ट कर दी जाती। लेकिन इन सारी मूर्तियों के केंद्र में जो पत्थर था वह नहीं हटाया गया। यह कोई सामान्य काला पत्थर नहीं था बल्कि एक विशाल शिवलिंग था और यह खंडित अवस्था में आज भी यहाँ पर मौजूद है और मुस्लिम इसी पत्थर की पूजा करते हैं। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर को चूमा जाता है उसका भविष्य पुराण में भी उल्लेख मक्केश्वर महादेव के रूप में किया गया। स्क्रीन पर आप भविष्य पुराण का यह श्लोक देख सकते हैं। पहली शताब्दी के प्रसिद्ध रोमन इतिहासकार दौद्रस सलस के मुताबिक भगवान शिव और काबा का प्राचीन जुड़ाव है। वो कहते हैं कि आज मक्का जिस जगह पर स्थित है यहाँ के प्रमाण ये बताते हैं कि यहाँ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था और इसी जगह काले पत्थर के रूप में विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में मौजूद है। रोमन इतिहासकार की यह बात अपने आप में एक प्रमाण है जो भगवान शिव के शिवलिंग की बात को और अधिक बल देती। इसके अलावा एक दिलचस्प घटना का वर्णन भी हमें इतिहास में देखने को मिलता है जो कि उस समय इस्लाम के उदय और भारत के एक हिंदू राजा से जुड़ी हुई है। यह बात है 680 की, जब इमाम हुसैन मदीना को छोड़कर मक्का पहुंचते हैं। वो यहाँ हज करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही, दुश्मन उनका कत्ल करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया लेकिन वो बच नहीं पाए। उन्हें दुश्मनों की फौज ने करबला लाकर शहीद कर दिया। इमाम हुसैन और भारत के एक ब्राह्मण हिंदू राजा राहिब दत्त की गहरी दोस्ती थी। कहा जाता है कि राहिब दत्त के कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए राहिब दत्त ने इमाम हुसैन से कहा कि आप ईश्वर से मेरे पिता बनने की दुआ करें। कहा जाता है कि इमाम हुसैन इसके बाद काबा आते हैं और वे राहिब दत्त के लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ ही सालों बाद में राहिब दत्त 7 लड़कों के पिता बनते हैं। जब राहिब दत्त को इमाम हुसैन के बारे में यह जानकारी मिलती है तो वो भी भारत से मक्का पहुंच जाते हैं, लेकिन वह भी अपने 72 अनुयायियों और 7 बेटों के साथ करबला की जंग में शहीद हो जाते हैं और इनको इतिहास में हुसैनी ब्राह्मणों के नाम से जाना गया। दिग्गज फिल्म अभिनेता सुनील दत्त भी हुसैनी ब्राह्मणों के वंशज रहे हैं। और इतिहास में यह भी वर्णन मिलता है कि मक्का में दत्त ब्राह्मणों की एक कॉलोनी भी रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कथाओं की तो सऊदी अरब के पास ही एक यमन नामक राज्य है।
जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, जब श्री कृष्ण ने काल यवन नामक राक्षस का वध किया था और यह यमन राज्य उसी द्वीप पर स्थित है। दोस्तों असली बात तो यह है कि जिस पत्थर को चूमने के लिए मुसलमान मक्का जाते हैं वह हकीकत में शिवलिंग है और यही कारण है कि किसी भी गैर मुस्लिम को मक्का में जाना मना है। आखिर वहाँ ऐसा क्या है कि मुस्लिम इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुओं का वहाँ जाना मना क्यों है? शायद इसलिए भी कि यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार के हिंदू देवी देवताओं से संबंधित प्रमाण दुनिया के सामने आ जाते हैं तो बहुत बड़ा दंगा हो सकता है। इसीलिए अरब सरकार ने बेहद सख्त निर्देश दिया हुआ है कि यहाँ कोई भी परिस्थितियाँ हो लेकिन गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा कई बार हो भी चुका है कि कोई हिंदू या कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बनकर मक्का में प्रवेश करने की कोशिश करता है लेकिन वह सफल नहीं हो पाया और पकड़े जाने पर उसको दंड भी दिया गया है। इतिहास गवाह है कि जहां मक्का और मदीना की बात की जाती है तो सिर्फ मक्का मदीना ही नहीं बल्कि पूरे अरब पर सम्राट विक्रमादित्य जैसे कई हिंदू राजाओं का शासन रहा है। पर फिर यह भी सवाल उठता है कि अचानक अरब का हिंदू कहां गायब हो गया? इसका उत्तर इस बात में है कि जिस प्रकार हिंदुस्तान में इस्लामिक राजाओं ने कब्जा करके शासन करके हजारों मंदिरों को जमीन दोज कर दिया, लाखों हिंदुओं के परिवारों को इस तरह समाप्त कर दिया कि जैसे उनका कभी जन्म ही ना हुआ हो, ठीक उसी तरह मक्का मदीना में भी तलवार की धार से शासन किया गया, हजारों मूर्तियां तोड़ दी गईं और उन मूर्तियों की पूजा करने वाले अनगिनत लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मक्का में जिस विशाल पत्थर को आप चादर में ढका हुआ देख रहे हैं वह कुछ और नहीं है बल्कि एक शिवलिंग ही है जिसे आज तक दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया है। सदैव इसको काले वस्त्र से ढक कर रखा जाता है, वरना जरा सोचिए कि इसको ढकने की क्या आवश्यकता है। अरब के इतिहास से लेकर के पाश्चात्य देशों के इतिहास तक और पूरा का पूरा सनातन इतिहास मक्केश्वर महादेव मंदिर के प्रमाणों से भरा पड़ा है। आज मैंने आपको बताया वह तो बस थोड़ा सा ही था। अगर आप और भी प्रमाणों के बारे में जानना चाहते हैं जो कि मक्केश्वर महादेव से जुड़े हुए हैं तो वह भी हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।